अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर अस्थायी बैन के फैसले के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने दूसरे देशों से अमेरिका में जॉब के लिए आने वाले प्रोफेशनल्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। हायर अमेरिकन की अपनी नीति पर चलते हुए ट्रंप ने H-1B वीजा की शर्तों को सख्त करने के लिए अमेरिकी संसद में बिल रखा है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इस कानून के तहत न्यूनतम $1,30,000 वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है। यह मौजूदा न्यूनतम वेतन स्तर के दुगने से भी ज्यादा है और इसके लागू होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका में भारत सहित विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये पहल डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वादों और अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल का एक हिस्सा है। आपको बता दें, इससे पहले 1989 से चले आ रहे कानून के तहत अभी तक यह $60,000 है जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। अमेरिकी संसद में जैसे ही यह बिल पेश हुआ, IT कंपनियों के शेयर गिर गए। अगर H-1B वीजा बिल संसद में पारित हो जाता है तो बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाएंगी और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीयों पर होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर H-1B वीजा रखने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखते रहिए DB Live।